दिमाग खराब आपका, दिमाग खराब हमको बोले आप, हमारा दिमाग खराब आपका, दिमाग खराब हमको बोले आप, हम बोलने दीजिए हमको जो गलत सही बात हम बोलेंगे, बोलने दीजिए हमको जो गलत सही बात हम बोलेंगे, एसपी सो जाएंगे, डीएसपी सो जाएंगे, सब सो जाएंगे। भाभी जीजा में बात होते रहता था, कब मरे हैं वो तो हम देखने नहीं गए, रूम में थे, लेकिन जब हल्ला हुआ तब हम पहुंचे रूम, हमको भी दूसरा रूम में बंद कर दिया था। आप पहले नहीं, मतलब कि एक ही समय में बंद नहीं किया था, मतलब जिस उसको रूम में बंद किए, रूम में बंद किए तो कुछ टाइम, मतलब उसको लेके गए बाबा भैया गए इधर, सब तो जानवे करते हैं कि लेडीज सबका तो माहौल कैसे हो जाता है, तो हम सोचे क्या कोई उपाय नहीं है मेरे साथ, तो जाते हैं लेडीज सब कैसे जाएगी बचाने, तो गए तुरंत हम मामा के पास, बारी होके हम दरबार मार के गए, तो मामा बोले कि ठीक आते हैं, अब पता नहीं आए कि नहीं आए, नहीं आए मामा, मामा छोटू के मामा जी, वो नहीं आए। तो इस मामा के पास आप खुद से गए थे? जी खुद से गए थे। आपके घर से कितना दूर है उनका घर? आप लोग गए हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल पास में, 100 मीटर के डिस्टेंस। हाँ लेट गया वो, क्या है कि क्या पता, लेकिन नहीं गए थे मामा। मामा मेरे घर पे जाते तो क्या धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? गए थे तो धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? धमकी अभी भी दे रहा है कि हम उसको गोली मारेंगे। कौन दे रहा है? अब क्या पता कौन दे रहा है, उधर से आ रहा है। फोन कॉल मतलब कि दूसरे जहाँ पे बोल रहा था वहाँ का कोई रिलेशन है यहाँ का लोग का, वो सुने तो बोले। अच्छा गांव के भी कुछ आरोपी है? कहाँ, हरेक जगह से है। प्रशासन के द्वारा अभी जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? उससे है कि कानून तो कानून है, वो तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन उसको भी लगता है कि हमको दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है अभी भी? अभी भी लगता है कि दबाया जा रहा है। आपके जीजा जी का क्या रोल है इस पूरी घटना में? इस पूरी घटना में उसका एक शुरू से कहना था कि दोनों को हम नहीं देंगे रहे, दोनों को उस रोज भी बोला, उतना कांड होने के बावजूद भी बोला कि दोनों को काट के रख दो घर में। अच्छा जीजा जी जी। अच्छा कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपकी भाभी का इसमें बहुत सबसे बड़ा हाथ है? सबसे बड़ा हाथ उसका मेरी भाभी की है, भाभी जीजा में बात होते रहता था। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अगला कदम क्या होने वाला? अगर न्याय नहीं मिलता, एसपी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, हम पहुंचेंगे। आप आपके साथ पूरी मीडिया, पूरे देश का लोग खड़े रहेगा। पटना कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, राष्ट्रपति, कहाँ जाएंगे आप? हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, नहीं मिलेगा कहाँ, कहीं से न कहीं से जरूर मिलेगा। नहीं ऐसा थोड़े है कि पूरा दुनिया सोया हुआ है, वैसा एसपी सो जाएंगे, डीएसपी सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, थाना सो जाएंगे, उस सब तो थोड़े सोएंगे। एसपी साहब नहीं सुन रहे, वो कल भी आए तो बोले कि 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे अपराधी। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर 2-3 दिन बाद आप कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे एक जगह, इसके बाद कहाँ जाएंगे, कुछ सोचे हैं? अभी तक तो हमने, मेरी सबसे पहली ये बात है कि तबीयत हम ठीक नहीं रहती, हम कभी कुछ हो जाता है हमको। अच्छा आप ना ध्यान, आपके जो भैया देखे थे आप दोनों को, तो आप दोनों क्या बातचीत करते हुए पकड़े गए थे या फिर कैसे? जैसे हम कि उधर से, हम तो मेरा एग्जाम था उस रोज, हकीकत बात है, जो एक भी इसमें मेरा झूठ नहीं है, सारा जितना वहाँ पे बोल रहे हैं सारा वहाँ पे जो गांव का आदमी सब जो दिए। बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। गलत बात है, एक गलत बात है। जैसे ही वहाँ पे हम आए थे, जैसे ही आए थे वहाँ पे, हम बोलने दीजिए हमको जो गलत सही बात हम बोलेंगे बोलेंगे। हम आए वहाँ पे, जैसे टॉयलेट करने आए थे, एग्जाम था, हम सोचे कि पढ़ेंगे, लेकिन कॉल लगा हुआ था। हम हर एक रोज बात करते थे, यही सब बात नहीं है कि ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है, बात करते हम, कॉल लगा हुआ था। जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बारी में, यहाँ पे दादी सब जगी हुई, जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी। कॉल लगाए तुरंत आए हम, आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में, तब फिर हम जो लगले था कॉल, उसको जो बोले कि नहीं किए हम टॉयलेट नहीं किए, तो उसको देखे जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया, हम बोले दिमाग खराब आपका, दिमाग खराब हमको बोले आप, हम रात में कॉल भी किए 3 बार तो रिसीव नहीं किया था तभी, लेकिन किया था। तो हम बोले कि दिमाग खराब आप हमको बोले, तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, करवा ही देंगे। हम बोले चलिए ठीक है आप यहाँ से चले जाइए, जो भी हुआ हुआ, चले जाइए आप यहाँ से। बोले कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना। बोले कि आप नहीं जानते हम जाते हैं, आपको रहना है यहाँ रहिए, हम जाते हैं। इतना तो बोले तब तक हम उधर से आ गए, हम जा रहे थे, हाँ इतने ही बोले कि उधर से आ गए। उतना एक मिनट भी नहीं लगा होगा हमको शायद वहाँ पे, उधर से तो जब वो लोग मार रहे थे, आप उस टाइम आपको कमरे में बंद किया गया था, वहीं पे थे सुनने मारे, कमरे में बंद, दूसरे कमरे में बंद किया गया था उसको। हम आपको पहले भी बताए बारे में, पहले बता चुके हैं। अंत में प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? अंत में प्रशासन से हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय चाहिए हमको।